कल बिरासकुंड महादेव के दर्शन करने गया था मैं। और अच्छे कोई लोक गायिका भी आ रही है आज, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है। और वहां पे अभी साउंड तेज हो गया है। कहाँ के? अच्छा यूपी। ब्लॉग में आने के लिए डर रहे भाई, बहुत ज्यादा पता नहीं क्या हो रहा है इन भाई लोगों को। कहाँ से मंगाते आप वो दवाइयाँ? देहरादून से मंगाते हैं। देहरादून से? हाय गाइस। अरे कैमरे की तरफ करो, करना है हाय। तो हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नंदनगर के खूबसूरत घाटी फरकिस से। कल बिरासकुंड महादेव के दर्शन करने गया था मैं, और अच्छे से बिरासकुंड महादेव के दर्शन हो गए थे। पब्लिक तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। आज नंदनगर का मौसम बिल्कुल मस्त दिखाई दे रहा है, और बिंचर महादेव की पहाड़ी भी बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रही है, और जो उधर भेटी बंगाली वाली पहाड़ी है उस साइड पूरी धूप आ गई अभी। आज मम्मी लोगों ने मेरी ड्यूटी लगा दी खाना बनाने की, और भाभी तो जंगल गई है शायद, और मम्मी चली गई खेत। थोड़ी देर में आने वाले हैं वो लोग, और शायद से आज मेला का आखिरी दिन भी है तो मार्केट भी जाएंगे ये लोग। मैं भी देखूंगा अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। यहाँ इन्होंने दाल बुआल तो कर की है, पर पूरी बुआल नहीं है भाई, और मुझे इस पर सीटी लगाना पड़ेगा। इन लोगों ने शायद कल रात जलेबी नहीं खाई, कम ही खाई, ये बासी हो गई। वैसे टेस्टी होती है यार बासी जलेबी, टेस्टी हो रहा भाई। वैसे हमारे यहाँ ना लैंड तो नहीं है, पर हमारे बुआ लोगों ने, गांव के लोगों ने ना बहुत कुछ दे रखा भाई यहाँ। इसमें शायद से ये दही है शायद, हाँ यार दही है, ये तो दूध है, घी भी दे रखा भाई यहाँ, एक दो डब्बे पे घी भी दे रखा, ऊपर भी दे रखा भाई, और इसमें भी दे रखा, पता नहीं क्या दे रखा। इसमें तो दाल है यार। अभी घर के सभी सदस्य मेला देखने चले गए, और आज नंदनगर में मेले का अंतिम दिन है, और शायद से कोई लोक गायिका भी आ रही है आज, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है। और वहाँ पे अभी साउंड तेज हो गया है, अब मैंने तो माइक लगा रखा इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही हुई। तो चलते हैं वहाँ मेला में। आजकल कुछ होना हो टू व्हीलर में जब मैं जा रहा ना, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है भाई हमारे यहाँ, क्योंकि चालान कर रहे हैं पुलिस वाले, और आजकल बहुत ज़्यादा चालान कर रहे, और हेलमेट की वजह से यार मेरे पूरे बाल खराब हो जा रहे। अभी मैं नदी साइड में आ गया, और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा भाई। ठंडियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ, और गर्मियों के टाइम पे नदी साइड में बहुत ज़्यादा गर्म होता। जल्दीबाजी के चक्कर में मैं चाबी लाना भूल गया, और यार पता नहीं वो चाबी कहाँ गई, कहीं खो तो नहीं गई इधर। भाभी कह रही वहाँ चाबी नहीं, बल एक सिंगल चाबी है, अब उसी से गाड़ी चलानी पड़ेगी यार। मुख्यमंत्री
तो यहाँ पे आइसक्रीम वाले भाई हैं। कल से अभी तक कितनी आइसक्रीम बिकी आपके? अभी हाँ बोलो बोलो, थोड़ी कितनी बिकी होगी? लगभग 1000 तक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के? अच्छा यूपी। अच्छा वहीं से आए आप लोग? कर्णप्रयाग में रहते हैं। अच्छा इससे पहले भी आए आप नंदनगर में? अच्छा पहले से आते हैं। कैसा लग रहे हैं? कुछ लोगों से और बात करते हैं इधर, और एक शॉप यहाँ पे। भाई ब्लॉग में आने के लिए डर रहे भाई, ये बहुत ज्यादा पता नहीं क्या हो रहा है इन भाई लोगों को। और हमारे खास भाई हैं भाई ये, और मैं स्कूल से जानता हूँ इन्हें। ये करीब हमसे कितने 3 या 4 क्लास आगे पढ़ते थे। और इनकी नंदनगर में एक शॉप भी है, मेडिकल शॉप। अगर आप लोगों को दवाई की कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि नंदनगर में बहुत सारी दवाई नहीं मिलती है, तो इनके शॉप में मिल जाएगी। वो बहुत सारी दवाई मिल जाती है। हाँ, कहाँ से मंगाते आप वो दवाई? देहरादून से मंगाते हैं। देहरादून से? टॉप क्वालिटी की दवाई है भाई। एक चक्कर सेवा का मौका दे भाई को। तो यहाँ पे देखो भाई, ये लोग बहुत ज्यादा खुश हैं ब्लॉग में आने के लिए। भाई आपके चैनल का नाम क्या है? नंदाधाम ब्लॉगर। तो यहाँ पे देखो भाई, फूल क्या रेट दे रहे छोटू? अच्छा आप लोग ही बेच रहे फूल? आपके पापा लोग नहीं आया? अच्छा कहाँ से आ रहे तुम लोग? देहरादून से। अकेले आए? किन के साथ आए? तो देखो भाई कितने छोटे बच्चे हैं ये, और फूल बेच रहे भाई। 150 के हैं ये फूल? 150 के हैं? 150 के 4। अच्छा 150 के 4। तो यहाँ जितनी मार्केटिंग लगी है, ब्लॉग में आने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई। पता नहीं क्यों ढूंढ ढूंढ के निकाल के ब्लॉग में ला रहा मैं लोगों को। कुछ लोगों को तो ले लिया मैंने ब्लॉग में। अरे कैमरे की तरफ करो, करना है हाय। तो अभी पब्लिक वापस को जा रही भाई यहाँ से, फिर मैं स्टेज की तरफ जा रहा एक चक्कर। तो ये आइसक्रीम वाले भाई हैं। अभी तक कितनी आइसक्रीम बिकी बोलो बोलो? मुंह छुपा रहे यार, पता नहीं क्यों डर लग रही है इन लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ अभी। अभी तक कितनी आइसक्रीम बिकी आप लोगों की? थोड़ी फिर भी कितनी? हाँ तो फिर मैं स्टेज की तरफ जा रहा भाई। नंदनगर की क्या भाव भाव रखो? हाँ नंदनगर बड़ो सालों से मेरा भगतो मामा तुम या मैंने Yeah.